पापा शिल्पा मुझसे क्यों नहीं आई? वही तो मैं सोच रहा हूँ, वो अब तक क्यों नहीं आई? कल से उसे नहीं देखा। पापा क्या हुआ, आप शिल्पा मासी को देखने के लिए इतना तरफ क्यों रही हो? नहीं बेटा, घर का काम पड़ा है ना, इसीलिए। पापा मुझे पता है आप शिल्पा मौसी से प्यार करते हो। हाँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। पापा आपके मुंह से तो सच निकल ही गया, अब शिल्पा मौसी नहीं शिल्पा माँ बनेगी। अरे बदमाश रुक। क्या हुआ, अब भाग क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ। क्या क्या बोला? कुछ नहीं मासी। शिल्पा आज इतना देर क्यों हुआ? वो आज घर में कुछ मेहमान आ गए थे इसलिए। पापा अब शिल्पा मौसी को बोल दो कि आप उसको प्यार करते हो। ये बोल सकता बेटा, वो नहीं मानेगी तो? अगर वो काम छोड़ दिया तो? पापा ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बात बोलूं? बेटा क्या बोलो? पापा मुझे भी एक माँ की जरूरत है, और शिल्पा मौसी तो मेरी माँ की तरह प्यार करती है। शिल्पा मौसी को मेरी माँ बना दो ना। पापा आपको कुछ बोलना चाहता है। क्या बोलिए ना। ओ हाँ बोलिए ना, क्या बात है? ओ मतलब क्या तुम आरोह की माँ बनोगी? साहब ये क्या बोल रहे हो, मैं आपके घर की नौकरानी हूँ, मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ? समाज वाले क्या बोलेंगे? तुम नौकरानी हो तो क्या हुआ, तुम भी एक इंसान हो, समाज का छोड़ो। देखो तुम इतनी कम उम्र में अपनी हस्बैंड को खो दिया और तुम्हारी कोई बच्चा भी नहीं है, तो प्लीज मेरी बेटी आरोही को अपना बना लो ना। प्लीज मौसी शादी कर लो ना, मुझे भी एक माँ की जरूरत है, और आप तो मुझे माँ की तरह प्यार करते हो ना। थैंक यू भगवान जी मुझे फिर से एक माँ देने के लिए। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सामने वाले की हैसियत क्या है, क्योंकि इंसान की हैसियत नहीं इंसान कैसा है ये जरूरी होता है।